चुवाड़ विद्रोह, जो झारखंड एवं बंगाल की धरती पर सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। ये मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल वीडियो में से एक होने वाला है। ढाल विद्रोह के शुरू होने के 2 साल बाद, यानी कि 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, 1769 ईस्वी में चुवाड़ विद्रोह शुरू होता है। जब अंग्रेज बंगाल जाते हैं उन्हें जीत मिल जाती है, जब वो बिहार जाते हैं उन्हें जीत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो झारखंड की सरजमी पर पैर रखते हैं, जगन्नाथ ढाल उन्हें मार करके खदेड़ देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा गांव है, ये हमारे गांव की दामोदर नदी। इस दामोदर नदी पे मैं आकर के मैंने इस चुवाड़ विद्रोह के बारे में कहानी आप लोगों को समझाई, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। तो हमने बोला कि क्यों ना जंगलों में जाकर के, नदियों में जाकर के आप लोगों के इस कहानी को सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जाए। पूरे वीडियो में मैंने अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया है, लेकिन अब मैं करूंगा। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि चुवाड़ विद्रोह का महानायक कौन, रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो। जय हिंद और जोहार। ये तो झारखंड की सरजमी पर कई महान विद्रोह हुए हैं, लेकिन भारत की धरती पर, झारखंड की धरती पर जो सबसे पहला महान विद्रोह के बारे में हम लोग बात करें तो चुवाड़ विद्रोह का नाम सामने आता है। चुवाड़ विद्रोह, जो झारखंड एवं बंगाल की धरती पर सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है। ये एक ऐसा इतिहास का वो पन्ना है जिसके बारे में डिटेल में, विस्तृत रूप में जानकारी आज भी मौजूद नहीं है। तो आखिर क्या है चुवाड़ विद्रोह, क्या है इसकी सच्चाई, और इसी के सच्चाई के बारे में बताने के लिए आज का ये ऐतिहासिक वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं कि मेरी एक एक वीडियो में बहुत डिटेल में, विस्तृत रूप में जानकारी होती है। आप लोगों ने हजारों कमेंट किया कि सर चुवाड़ विद्रोह के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के नाम। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वीडियो में से एक होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ज़रूर इस पर अपना हाथ आजमाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चुवाड़ विद्रोह की कहानी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि झारखंड की धरती तक अंग्रेज पहुंचे कैसे। आप लोगों को पता है कि 16वीं शताब्दी में व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। पढ़े लिखे होने की वजह से, बातें अच्छी करने की वजह से, दिखने में खूबसूरत होने की वजह से भारत के लोग अंग्रेजों से प्रभावित होते हैं और व्यापार करने में उन लोगों का सहयोग करते हैं। अंग्रेज भी भारत के लोगों का लालच को देखते हुए, भारत के लोगों के स्वभाव को देखते हुए कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, इन्हें आसानी से ठगा जा सकता है, व्यापार में पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। संपूर्ण भारत में अंग्रेज कारखाने खोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल जाते हैं। भारत में फैलने के क्रम में वो बंगाल तक पहुँच जाते हैं। उस समय बंगाल प्रांत में उड़ीसा, वर्तमान का झारखंड, वर्तमान का बिहार और वर्तमान का पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों का मिलान होकर के बंगाल एक महान, एक बहुत बड़े प्रांत का निर्माण कर रहा था। और उसी प्रांत में अंग्रेज आधमकते हैं और अपने सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना कलकत्ता में करते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों का व्यापार चल पड़ता है। वहाँ के लोग अंग्रेजी हुकूमत से इतना प्रभावित होते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में उन लोगों को योगदान देने लगते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति में कलकत्ता में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब अंग्रेज के पास बंगाल के नवाब से भी ज़्यादा पैसा हो जाता है, धन दौलत हो जाता है। और जब किसी इंसान के पास धन दौलत हो जाता है तो पावर उसके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो साल था 1757। 1757 वह साल था जब अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सरकार के आदेशों को, बंगाल के नवाब के आदेशों को मानती ही नहीं है। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच साल 1757 ईस्वी में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसे आप जानते हैं पलासी के युद्ध। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देती है और बंगाल की धरती में अपने साम्राज्य की नींव रखती है। अंग्रेजों को इस जीत से ये पता चल जाता है कि भारत में सिर्फ हम लोग व्यापार नहीं कर सकते, भारत में हम लोग कब्जा भी स्थापित कर सकते हैं। अंग्रेजों की ये पहले जीत थी जिससे अंग्रेजों के अंदर ये डर खत्म हो जाता है कि अब हम लोग हिंदुस्तान के जो राजशाही परिवार है, राजशाही जो राजा महाराजा है, उनसे हम लोग लड़ाई कर सकते हैं और उन्हें पराजित भी कर सकते हैं। इस जीत में और ज़्यादा शक्तिशाली रूप देने का काम करता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 1764 ईस्वी में बंगाल में विजय, पलासी के युद्ध में बंगाल में विजय प्राप्त करने के पश्चात 1764 ईस्वी में बिहार की धरती पर बंगाल के नवाब, तत्कालीन नवाब सिजाउद्दौला, इस बार नवाब चेंज हो चुका है, सिजाउद्दौला, अवध राज्य के नवाब मीर कासिम
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इन तीनों की सम्मिलित सेना शामिल होकर के बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। इन तीनों की सम्मिलित इतनी बड़ी सेना को पराजित करने के बाद अब अंग्रेजों की जो ताकत है वो चरम पर थी। वो फर्श से अर्श तक आ चुके थे। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हमारी जीत निश्चित है। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के इस युद्ध की समाप्ति एक संधि के साथ होती है, जिस बंगाल प्रांत में कर का भुगतान मुगल बादशाहों को किया जाता था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हारने के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय दीवानी अधिकार के तहत कर राजस्व का भुगतान करने का अधिकार अंग्रेजों को दे देते। एक तरफ अंग्रेजों को झारखंड में कर वसूली करने का दीवानी अधिकार मिल चुका था और दूसरी तरफ झारखंड में उस समय जमींदारी प्रथा चल रही थी। झारखंड में आदिवासी भूमिज कुड़मी जो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यवसाय करते थे, उसके बदले कर का भुगतान वो जमींदार को करते थे। जमींदार साल में एक बार मुगल बादशाह के पास जा करके टैक्स भरा करते थे, यानी कि आम लोग जमींदार को टैक्स देते थे और जमींदार मुगल बादशाह को टैक्स देते थे। लेकिन अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश होने के बाद अब कर का भुगतान जमींदारों को अंग्रेजों को करना था। मुगल बादशाह के तुलना में अंग्रेज कर ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए चुवाड़ विद्रोह होता है। डिटेल में अगर हम लोग बात करें, झारखंड में अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने का काम करते हैं। झारखंड का सिंहभूम उस समय तक तीन जिलों में बंटा हुआ था, ढालभूम, कोल्हान और पुरहाट। और इन्हीं तीनों जिलों में से एक जिला ढालभूम में से एक राजा निकल करके आता है जिनका नाम था जगन्नाथ ढाल। जब अंग्रेज बंगाल जाते हैं उन्हें जीत मिल जाती है, जब वो बिहार जाते हैं उन्हें जीत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो झारखंड की सरजमी पर पैर रखते हैं जगन्नाथ ढाल उन्हें मार करके खदेड़ देते हैं। झारखंड की सरजमी हमेशा से ही वीरों से भरी पड़ी थी। झारखंड की सरजमी वो पहला ऐसा क्षेत्र था जो विद्रोह की बिगुल फूंकता है अंग्रेजों के खिलाफ। आप बोलेंगे कि सर हम लोग चुवाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ढाल विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि चुवाड़ विद्रोह से जस्ट 2 साल पहले ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, जो झारखंड की सरजमी पर सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था या अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई थी। तो उसके बारे में भी 2 मिनट हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ताकि कहानी को आप डिटेल में समझ सके। तो 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल ने ढाल विद्रोह को शुरू किया और अंग्रेजों हुकूमत के बातों को मानने से इनकार कर दिया। 10 सालों तक 1767 से लेकर के 1777 तक ढालभूम के क्षेत्र में ये ढाल विद्रोह होता है। अंततः अंग्रेजों को हार मानना पड़ता है और वहाँ के जो जमींदार है जगन्नाथ ढाल उनको वापस से वहाँ के जमींदार नियुक्त कर दिया जाता है एक संधि के तहत। वो संधि ये रहता है कि 1767 ईस्वी में कहा जाता है कि सालाना आप 4,000 रुपये टैक्स के रूप में अंग्रेजों को पे करेंगे, जो कि एक मिनिमम प्राइस था जितना वो मुगल बादशाह को भी दिया करते थे। लेकिन 1780 तक आते आते ये अमाउंट थोड़ा सा बढ़ करके 4,267 रुपये हो जाता है। यहाँ तक की कहानी थी ढाल विद्रोह की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों चुवाड़ विद्रोह के बारे में। ढाल विद्रोह के शुरू होने के 2 साल बाद यानी कि 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, 1769 ईस्वी में चुवाड़ विद्रोह शुरू होता है। ये चुवाड़ जो आप शब्द सुन रहे हैं ये एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है गाली होता है। आप चुहाड़ शब्द सुने होंगे, आज भी वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो भूमिज लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उस समय उन नीची जाति के लोगों को चुवाड़ कहा जाता था। अंग्रेज इसका मतलब लुटेरा भी निकालते थे, वो खुद हमें लूटने के लिए आते थे लेकिन चुवाड़ का अर्थ वो लुटेरा समझते थे, यानी कि चुवाड़ कह के संबोधित करने का मतलब था कि वो लुटेरा कह के संबोधित कर रहे हैं। 1769 ईस्वी में जब चुवाड़ विद्रोह शुरू हुआ तो ये जंगल भूमि के क्षेत्र में हुआ था। जंगल भूमि क्षेत्र को मैं इस मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि झारखंड और बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो सीमा से छठे राज्य है, यहीं पर हुआ था चुवाड़ विद्रोह। जंगल भूमि क्षेत्र में उस समय पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मैदानपुर और पूर्वी मैदानपुर था, जिसे आप मैप में देख पा रहे होंगे। इन्हीं चारों राज्यों को, इन्हीं चारों क्षेत्रों को मिला करके जंगल भूमि क्षेत्र का गठन हो रहा था। यानी कि ये जो चुवाड़ विद्रोह था इसमें बंगाल के लोग, वर्तमान के बंगाल के लोग और झारखंड के लोग, ये दोनों ने मिल करके, यहाँ के भूमिजों ने मिल करके इस चुवाड़ विद्रोह को लड़ा था और अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाया था। जब 1769 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश जंगल भूमि क्षेत्र में होता है तो सबसे पहले वो जमींदारों से जमींदारी छीन लेते हैं, भूमिजों से, आदिवासियों से उनकी जमीनों को हड़पने लगते हैं, टैक्स को अप्रत्याशित बढ़ा देते हैं। अब टैक्स का भुगतान जमींदारों को नहीं कर सकते थे आप,
अब टैक्स का भुगतान डायरेक्ट अंग्रेज सिपाहियों को करना होगा, अंग्रेज अधिकारियों को करना पड़ेगा। जो भूमिज लोग थे वो जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में काम कर रहे थे। पाइक का मतलब होता है सिपाही के रूप में। अंग्रेज वो अधिकार भी छीन लेते हैं उनसे और सिपाही अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता है, अंग्रेजों को सिपाही बना दिया जाता है। और इन्हीं सभी बातों से प्रभावित होकर के भूमिज समाज के लोग और जमींदार समाज के लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। और इन्हीं सभी क्रोध और गुस्से के बीच चुवाड़ विद्रोह की नींव रखी जाती है। उस समय जंगल भूमि क्षेत्र में जितने भी जमींदार थे और जितने भी भूमिज थे, आदिवासी थे, जितने भी समुदाय के लोग थे, जंगल भूमि क्षेत्र के जितने भी लोग थे, एक विशाल मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हम लोग मिल करके चुवाड़ विद्रोह को शुरू करेंगे। लगभग 30 सालों तक चुवाड़ विद्रोह चला था। ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी, इसके बारे में बहुत कम बात किया गया है, इसके बारे में डिटेल में बात किया ही नहीं जाता है। लेकिन चुवाड़ विद्रोह एक दिन की कहानी नहीं थी, ये झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, जहां से हजारों भूमिज आदिवासी लोग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लोहा मनवाने का काम करते हैं। आदिवासी, घटवाल, पाइक, कुर्मी, जमींदार और भूमिजों के सामूहिक समर्थन से यह विद्रोह व्यापक रूप से फैल जाता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता श्याम गंजम, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, रघुनाथ जी, मोहन सिंह, मंगल सिंह, सुबल सिंह, जगन्नाथ पात्र इत्यादि थे। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मैंने यहाँ रघुनाथ जी का नाम लिया है, जो चुवाड़ विद्रोह के सबसे महान नेता थे। उनके बारे में मैंने अभी उनका टाइटल नहीं लिखा है और टाइटल बोला नहीं है, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा हो सकता है, इसलिए उसके बारे में हम लोग बात थोड़ी देर बात करेंगे। हम लोग आगे की कहानी समझते हैं कि चुवाड़ विद्रोह में क्या हुआ था। चुवाड़ विद्रोह 30 सालों तक ये संघर्ष चलता है, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी आंदोलन में आ जाते हैं। समय के साथ हजारों वीर क्रांतिकारियों की मृत्यु होती है। एक वीर मरता है, दूसरा वीर का जन्म होता है, दूसरा वीर आता है। 30 सालों तक घर घर से औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी लग जाते हैं चुवाड़ विद्रोह में। अंग्रेज भी मान जाते हैं कि ये कौन सी मिट्टी है झारखंड। आज तक इतने जगह हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इतना अड़िग रवैया आज तक हम लोग कभी किसी प्रांत का नहीं देखे। 30 सालों तक एक लड़ाई को लड़ते रहा, हार नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। 30 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज बुरी तरीके से परेशान हो जाता है भूमिजों के अड़िग रवैये के कारण, आदिवासियों के अड़िग रवैये के कारण, और परेशान होकर के एक संधि करने की बात जमींदारों को बोलता है। जमींदारों में से एक मुखिया अंग्रेजों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बताइए आपकी मांगे क्या है। जमींदारों का मुखिया वहाँ पर अपनी बात रखते हैं कि जिस तरह से हमारी पहले जमींदारी प्रथा थी, उसी तरह की जमींदारी प्रथा लागू हो। पाइक यानी सिपाही के रूप में जो आप लोगों ने अंग्रेज सिपाहियों को नियुक्त कर दिया है, उसके जगह जो भूमिज है वही लोग पाइक के रूप में काम करेंगे। ये दोनों हमारी मुख्य मांगे हैं, और हमारी जो ज़मीनें हैं जो हमसे जब्त की गई है, वह ज़मीन हमें वापस कर दिया जाए और कर का भुगतान जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, और यही हमारी अंतिम मांगे हैं। एक झटके में अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज अधिकारी इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग 30 सालों तक नहीं झुके वो अब क्या खाक झुकेंगे। 1805 ईस्वी में एक संधि के तहत ये चुवाड़ विद्रोह समाप्त होता है। भूमिजों को पाइक के रूप में वापस से नियुक्त कर दिया जाता है, जमींदारों को उनकी ज़मीन वापस से दे दिया जाता है, लगान की रकम कम कर दी जाती है, और आदिवासियों को कर का भुगतान अब पहले के मुकाबले कम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला था ये झारखंड की धरती है साहब, ये इतनी आसानी से हारेगा नहीं। 1764 ईस्वी में 3 बादशाहों के सम्मिलित सेना को पराजित कर देने वाला अंग्रेज सरकार झारखंड की धरती पर आता है तो वह झुक जाता है भूमिजों के आगे, आदिवासियों के आगे। ये है हमारा झारखंड। इसीलिए झारखंड के बारे में एक नारा है कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि चुवाड़ विद्रोह का महानायक कौन, रघुनाथ सिंह या रघुनाथ महतो। पूरे वीडियो में मैंने सिर्फ एक बार रघुनाथ शब्द का प्रयोग किया है और उनके साथ जी लगाया है, क्योंकि यही सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है बंगाल एवं झारखंड में। बंगाल के लोग चुवाड़ विद्रोह के महानायक के रूप में रघुनाथ सिंह का नाम लेते हैं और झारखंड में लोग रघुनाथ महतो का नाम लेते हैं। झारखंड में कुछ लोग सिंह का भी नाम लेते हैं, कुछ महतो का भी नाम लेते हैं।
ऐसे में अगर मैं रघुनाथ सिंह को मानता हूँ तो रघुनाथ महतो को मानने वाले लोग मुझे सुना देंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर मैं रघुनाथ महतो का नाम लेता हूँ तो रघुनाथ सिंह को मानने वाले लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर करके बातें बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग रघुनाथ जी की थोड़ी सी जीवनी जान लेते हैं। रघुनाथ जी का जन्म उस समय जंगल भूमि क्षेत्र में, वर्तमान समय में यह क्षेत्र सरायकेला खारसावा में पड़ता है। तो सरायकेला खारसावा के नीमडी प्रखंड में घुटियाजी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम काशीनाथ था, उनकी माता जी का नाम कर्मी देवी था, उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम तनु देवी था। बचपन से रघुनाथ जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। अंग्रेजों के द्वारा जो प्रताड़न हुआ करता था उन लोगों के साथ, भूमिजों के साथ, वो देख करके उनको बहुत दुख होता था, इसलिए वे अंग्रेजों से नफरत किया करते थे। एक बार की घटना है कि जब वो मात्र 14-15 साल के नौजवान थे, एक अंग्रेजी अधिकारी को जब वो उनके गांव में एक इंसान के साथ, एक आम भूमिज के साथ जब अत्याचार करते हैं तो वो उस अंग्रेज सिपाही को पीट देते हैं, और पीटने के बाद जा करके जंगलों में छुप जाते हैं, गुफाओं में छुप जाते हैं। उनकी बहन तनु एकमात्र ऐसी थी जो केवल रघुनाथ जी को ढूंढ सकती थी। गुफा में ऐसा जगह वो छुप जाते थे कि उनको ढूंढना नामुमकिन था, केवल उनकी बहन तनु ही उन्हें ढूंढ पाती थी। रघुनाथ जी बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। अपने आसपास अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा उनके लोगों के साथ जो भी अत्याचार होता था उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का काम रघुनाथ जी करते थे। अक्सर वो अंग्रेज अधिकारियों को मार करके जा करके गुफाओं में छुप जाया करते थे। समय के साथ धीरे धीरे रघुनाथ जी बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं और हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उनकी बातों में कमाल का जादू था कि लोग उनकी बातों से प्रेरित होते थे, मोहित होते थे और चुवाड़ विद्रोह में शामिल होते थे। चुवाड़ विद्रोह में जैसे ही रघुनाथ महतो की एंट्री होती है, चुवाड़ विद्रोह प्रबल हो जाता है, हजारों से लाखों लोगों तक ये चुवाड़ विद्रोह पहुँच जाता है। उनके बारे में एक कहानी और है कि जब वो बड़े होते हैं तो उनका जब विवाह हो जाता है तो अपनी धर्मपत्नी जो गर्भवती उनकी जो पत्नी थी उनको मायके भेज देते हैं ताकि अंग्रेज उनके इस परिस्थिति का फायदा ना उठा सके कि उन्हें बंदी बनाने के लिए उनकी गर्भवती महिला को पकड़ लिया जाए या बंदी बना लिया जाए। इसलिए कहानियों में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि वो अपनी गर्भवती धर्मपत्नी को अपने मायके भेज देते हैं ताकि चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व वो कर सके। एक बार एक मीटिंग में रघुनाथ जी थे जहाँ पर हजारों की भीड़ को वह संबोधित कर रहे थे। उसी समय किसी खुफिया विभाग से अंग्रेजों की यह सूचना मिल जाती है कि वहाँ पर रघुनाथ जी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और उसी समय अंग्रेज सिपाही आ धमकते हैं और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब गोलीबारी होती है तो उसी में रघुनाथ जी का देहांत हो जाता है, हत्या हो जाता है। रघुनाथ जी की हत्या के बाद चुवाड़ विद्रोह और प्रबल हो जाता है। कहते हैं ना कि जब भगत सिंह की मृत्यु हुई थी तो हजारों भगत सिंह खड़े हुए थे, उसी तरह रघुनाथ जी की जब मृत्यु होती है तो हजारों रघुनाथ खड़े हो जाते हैं और चुवाड़ विद्रोह उन्हीं के बदौलत सफल हो जाता है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि चुवाड़ विद्रोह का महानायक आखिर कौन है। मैं जब इसके बारे में डीप रिसर्च कर रहा था तब मैंने कई सारे किताबों को पढ़ा। झारखंड में लोग और भूमिज में लोग जो शैलेंद्र महतो के द्वारा किताब लिखी गई है उसका विरोध करते हैं और उसमें जो बात बताई गई है उनका समर्थन नहीं करते हैं। शैलेंद्र महतो जी उसमें कहते हैं कि रघुनाथ महतो इस विद्रोह के प्रमुख जननायक थे। लेकिन जब हम लोग बंगाल गजट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था, और जब बंगाल के दस्तावेजों को पढ़ने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर चुवाड़ विद्रोह के जननायक रघुनाथ सिंह का नाम आता है। इस बात पर बहुत कन्फ्यूज़न है और मैं किसी भी बात का समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं रघुनाथ महतो बोल दिया तो रघुनाथ सिंह समाज के लोग बुरा बन जाएंगे, रघुनाथ सिंह मैंने बोल दिया तो महतो समाज के लोग बुरा बन जाएंगे। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं अध्ययन कर सकता हूँ, मैं किसी भी बात का समर्थन नहीं कर सकता। इतिहास में जब विकिपीडिया में और इतिहास में इससे छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इस कन्फ्यूज़न में इतना दिन तक चल रहा है, तो इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी करना सही नहीं होगा और मैं भी इस बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो हमारी राय यह है कि रघुनाथ नाम के एक व्यक्ति थे जो चुवाड़ विद्रोह के जननायक थे, लेकिन वो महतो थे कि सिंह थे, इसके बारे में मैं बोलने से बचना चाहूँगा। ये हमारे गांव की दामोदर नदी है। इस दामोदर नदी पे
मैं आकर के मैंने इस चुवाड़ विद्रोह के बारे में कहानी आप लोगों को समझाई, क्योंकि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। तो हमने बोला कि क्यों ना जंगलों में जाकर के, नदियों में जाकर के आप लोगों के इस कहानी को सुंदर प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो आज के इस ऐतिहासिक वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि आप दोनों समाज के लोगों को खुश रखा जाए। मैं किसी भी बात में टिप्पणी करने से बचा हूँ और मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। मैं एक शिक्षक हूँ, इसीलिए अगर अनजाने में तब भी आपको किसी भी बात से अगर खेद होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जानकारी देने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, मैंने भी चीज़ें पढ़ करके डिटेल में सर्च करके आप लोगों को बताई है। और अगर कोई नहीं बताएगा तो आखिर कौन बताएगा? इतिहास तो फिर छुपा का छुपा रह जाएगा ना। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, अब इसमें सफल हुआ हूँ कि क्या है ये टिप्पणी करके आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के इन्हीं सभी बातों के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार।